हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सवेरे का टाइम जो है 7 बज चुकी है। अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ किचन पे, और कुकिंग में जो है बंदा गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ, हल्दी नमक स्वाद अनुसार रख के, और उसमें एक टमाटर भी रखूँगी, और साइड में जो है दाल बैठा दी हूँ, दाल की जो सीटी लग रही है, और इसके साथ जो है राइस और ऑमलेट बनाऊँगी। मैं ऑल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। मेरी वीडियो जो है एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, मेरी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के तक पहुँचेगी। सवेरे जो है कभी कभार मैं चिया सीड भी लेती हूँ खाली पेट पे, वार्म वाटर पे। खाना देते वक्त मेरी सिस्टर नीलम का कॉल आ गया, और मैं खाना भी दे रही हूँ और सिस्टर के साथ बात भी कर रही हूँ। कभी कभार हम लोग जब बातें करते हैं ना फ़ोन पे, घंटों लग जाता है बात करते करते। मैं उसके साथ आज बात भी कर रही हूँ और काम भी, खुद का काम भी कर रही हूँ। और अभी जो बना रही हूँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में जो है सूजी की इंस्टेंट रेसिपी बना रही हूँ। ये रेसिपी जो है ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत ही इजी है, बनाने में बहुत आसान है। इसमें जो है 1 कप दही, 1 कप सूजी ली, और सब्जियाँ जितने भी थी बारीक से काट करके मिला ली, और उसको जो है बैटर बना ली, और तवे में जो है थोड़ी सी बटर रख के बना रही हूँ। ये जो बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों के टिफिन के लिए भी अच्छा होता है। और इसके साथ जो है धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन भी फटाफट धो रही हूँ, क्योंकि मैट नहीं है मेरे घर पे, इसलिए मैं खुद को ही धोना पड़ता है, इसलिए मैं रखती नहीं हूँ, फटाफट से धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ, शादी वाले घर पे जाना है, थोड़ा सा जाके आऊँगी, उसके बाद सब काम करूँगी दिन भर का। और आज जो है मुझे हेयर वॉश भी करना है। नेकलाइन बॉर्डर है, मुझे बहुत पसंद है डिजाइन जो है, और इसके साथ जो ज्वेलरी है ये पूरी मैचिंग हुई है फ्रेंड्स। ब्लैक ड्रेस पे हमेशा ब्लैक ही इयररिंग्स पहनती हूँ, बट मेरी ये ब्लैक वाली इयररिंग्स ना मेरी फेवरेट इयररिंग्स है।
और मैं उधर से आके मैंने हेयर वॉश भी कर लिया, बहुत चिपचिपा हो गया था हेयर भी। आप लोग की कैसी होती है, मैं 2-3 दिन तक नहीं नहाऊँ तो मेरी हेयर जो है ना पूरा चिपचिपा हो जाती है, पूरा ऑयल निकलती है बालों से। और आज मैंने बेडशीट चेंज कर रही हूँ, बहुत दिन हो गया था बेडशीट चेंज करना था, ये येलो वाली बेडशीट लगा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये बेडशीट। और ये जो है स्प्रिंकलर में केक बनाने के लिए लाई थी, आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी केक। इसके लिए ली हूँ कॉफ़ी और मेल्टेड बटर, एक अंडा और मैदा और चीनी, और इसके साथ जो है थोड़ी सी दूध डालूंगी। अब इसमें डालूंगी 1 कप मैदा, मेल्टेड बटर, मां को जो ऑयल से ग्रीस कर चुकी थी और ऊपर से बैटर पेपर रख देती हूँ और इसके ऊपर जो है बैटर रख लेती हूँ। बैटर रखने के बाद जो स्प्रिंकल से डेकोरेट कर लेती हूँ। केक बनाते वक्त जो डेकोरेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर भी दिखता है केक। और मैं आज एयर फ्रायर में ही बना रही हूँ। चेक करते हैं कैसा है, कैसा हुआ है, पक गई है। बीच से जो मैंने खोप के देखा था वो फट गए थोड़ी सी, बट नहीं बहुत सुंदर हुई है। पहले बार अच्छा सा केक बनवाया है, फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर पे, बहुत अच्छा हुआ है फ्रेंड्स। और केक को जो है मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और अभी जो बैटर रेडी कर रही हूँ सेल रोटी के लिए, सेल रोटी में जो चाहिए होता है पिसी हुई चावल बारीक से, और दरदरा चावल चाहिए होता है, और उसके बाद जो है घी, और हम लोग स्वाद अनुसार लौंग इलायची की पाउडर भी डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी और घी लेती हूँ, इसको जो है मिक्सअप कर लेती हूँ करके वार्म वाटर। अब बैटर जो है बन चुकी है, अब इस बैटर को जो है 6 घंटे के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। सवेरे जो है बात करते करते फोन कट गई थी और मुझे शादी के घर पे जाना था, और अभी फिर से बात कर रही हूँ सिस्टर के साथ, नीलम के साथ। अभी हम लोग घंटों बातें करती रहती है, इसी तरह मैं काम भी कर रही हूँ, ब्लॉग शूट भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। अभी मैं जब कूलर साफ कर रही हूँ, थोड़ी धूल हो गई थी, अब ठंड दिन है कूलर की जरूरत नहीं है, इसको ढक के रख लेती हूँ पोंछ के, फिर गर्मी दिन आएगा तो फिर इसी की जरूरत पड़ेगी।
मुझे घर का कोई भी काम हो मुझे करना बहुत पसंद है, स्पेशली साफ़ सफाई का तो और अच्छा लगता है। और ये जो ट्रॉली आलू प्याज रखने वाली, ये बहुत ही धूल हो गई थी, इसमें धूल जम पड़ी हुई थी, सब धूल हटा के फिर से अच्छी तरह से मिला के रख लेती हूँ। इस तरह से सामान कभी कभार कर लेने से अच्छा लगता है किचन का। मैं कुकिंग के साथ घर की साफ़ सफाई को भी बहुत ही मेंटेनेंस तरीके से रखती हूँ। और अभी जो ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी, दाल वगैरह, वो सब बोतल में भरा के रख रही हूँ। और लॉन्ग भरा के रखने से दाल में कीड़ा लगता है, मैंने रख के देख लिया फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था कि लॉन्ग रखने से कीड़ा नहीं लगेगा बोल के, मैंने उसे फॉलो किया और लॉन्ग रख के देख ली फ्रेंड्स, मेरे सब दालों पे कीड़े लग गए लॉन्ग रखने के बाद। जब मैंने नमक छिड़क के रखा तो दाल पे कीड़े नहीं लगे, इसलिए मैंने बोली हूँ कि आप लोग को नमक छिड़क के रखिए, दाल पे कभी कीड़ा नहीं लगेगा। गुड इवनिंग, शाम की जो है 5 बज चुकी है। मैंने सवेरे जो भिगो के रखी थी सैल रोटी बनाने के लिए, अभी मैं सैल रोटी बनाने जा रही हूँ। और गैस पे मैं बैठा दी थी चना और आलू को बॉईल करने के लिए, बॉईल हो चुकी है और मैं ऑफ कर देती हूँ। अब जो है बैटर भी रेडी हो चुकी है, अब इसको जो है अच्छी तरह से फिर से दोबारा पीस लेती हूँ। जस्ट आ गया बेटा स्कूल से, उसको मैं केक दे रही हूँ। सबसे पहले मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ कैसा हुआ है केक। फ्रेंड्स मैं पहली बार बना रही हूँ इस वाली पैन पे सेल रोटी। ये वाली पैन मैंने खरीदा था, मैं पहले वाली ब्लॉग में दिखाई थी। अब इसमें मैं सेल रोटी बना रही हूँ। पहला वाला जो है बिगड़ गया, बिल्कुल ही बिगड़ गया, देखिए कैसा हो गया। दूसरा वाला थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ, बट इतना अच्छा भी नहीं हुआ, बट ठीक ही हुआ आज सेल रोटी जितना बनाई मैं। सबसे पहला वाला जो बना था वो कलश में रखना पड़ता, मैंने कलश में रख लिया। You're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and my sphere. The sun is going down and I am getting wild. The sun is going down, my intentions are mine. अचार के लिए सबसे पहले पैन पे ऑयल रखती हूँ, मेथी और जीरे धनिया की दाना, उसके बाद जो है लाल मिर्च और हरी मिर्च, जो हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, हल्दी, नमक, इसमें जो है बंदा गोभी और चने को जो मैंने बॉईल किया हुआ है और आलू है, आलू को जो है थोड़ी मैश कर दूंगी, इसको जो है झोंक लगा देती हूँ। इसमें जो ऊपर से तिल पीसी हुई, रोस्ट करके पीसी हुई तिल है, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी, ये जो है हम लोग बोलते हैं चूक अमीलो खट्टा, जो है मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब इसको जो है बॉल पे ट्रांसफर कर लेती हूँ।
ये बन गई अचार। अभी जो घर पे दीदी और भैया आए हुए हैं और हम लोग तीनों ने मिलके बहुत अच्छी तरह से चाल रोटी खा लिया। बेटा ने तो सिर्फ एक ही खाया और अचार जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, और चाल रोटी भी मीठी थी खाने में। दीदी और भैया जस्ट चले गए खा के और मैं अभी थोड़ी देर जो है लैपटॉप में बैठती हूँ और बेटा को जो है खाना देना पड़ेगा। थोड़ा भी मैंने भी चाल रोटी सिर्फ एक ही खाया है, थोड़ा सा राइस तो खा लूँगी। और आज की जो वीडियो है ना मुझे एडिटिंग करते करते रात को 12 बज गई थी और सवेरे फिर 5 बजे उठ के मैंने एडिटिंग किया है फ्रेंड्स। और डिनर में जो दिन की जो राइस बची हुई थी उसमें मटर और गाजर मिला के फ्राइड राइस बना दिया और पॉच बना दी बेटे के लिए। मैं भी थोड़ा खा लूँगी और आज का ब्लॉग मैं इतने में एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।